चलो फिर चुपचाप गरम है, चलो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। रीति, जब विभूर तुम्हारा इतना ध्यान रख रहे हैं तो इस तरह मना नहीं करते। हाँ रीति, प्लीज पी लो, आराम मिलेगा तुम्हें। काढ़ा पिलाया था ना मुझे कड़वा कड़वा, बदले में जानबूझ के मैंने तुम्हारी शूज खराब कर दी। इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। खाना खाने तक तो मेरे शूज सब्जी के ऑयल से पूरी तरह स्पॉइल हो जाएंगे, क्या करूं? तुमने वेडिंग पिक्चर्स अपलोड क्यों नहीं करते फेसबुक पे, ताकि लोगों को पता तो लगे जिस लड़की के पैर बढ़े थे तुमने शादी में उसी से कर ली। सही कह रहा है तू यार, अब ये पूरी जिंदगी ना वाइफ के कंधों में पड़ा रहेगा। बेटा आज तो तुम्हें पग फेरे के लिए आना ही था, अब जब भी तुम्हें फुर्सत मिले ना विभूर जी के साथ आ जाना, हम लोगों को अच्छा लगेगा। हुँ? और ये तुम दोनों के लिए हमारी तरफ से। इसकी क्या जरूरत है, रस्म है बेटा, मना नहीं करते। थैंक्स। रीति बेटा जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसे विभूर तुम्हारा ध्यान रखते हैं ठीक उसी तरह तुम भी उनका ध्यान रखना। हुँ? क्योंकि अच्छा जीवन साथी किस्मत वालों को ही मिलता है। हुँ? हाँ माँ, सच कहा आपने, आपकी हर बात मुझे याद रहेगी। बाय दिव्या। बाय बाय बेटा, आई मिस यू, टेक केयर। हाँ हाँ, तू भी अपना ख्याल रखना और माँ और पापा का भी, ठीक है? बाय बाय। क्या हुआ, कार खराब हो गई? बारो लेकिन क्यों, यहाँ पे क्या रखा है? बोला ना बाहर आओ। अरे विभोर बात क्या है, कुछ तो बताओ। हाय विभोर, गाड़ी की चाबी दे मुझे। अरे वो तुम्हारी कार लेके कहाँ चला गया, अब हम लोग कैसे घर जाएंगे? कितने सवाल पूछती हो तुम, तुमने मुझे कहा पग फेरे पे घर आने तो मैं आ गया, अब बाकी की रस्में बाइक पे पूरी करेंगे। बाइक पे? नो वेज। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना,
तुम्हें पता है कि मुझे बाइक में बैठने में कितना डर लगता है। देखो अगर घर चलना है तो बैठ जाओ वरना। फाइन, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, मैं कैब ढूंढ लूंगी, नहीं तो पैदल ही घर चली जाऊंगी, लेकिन बाइक पर नहीं बैठूंगी। As you wish. For your very kind information, घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ऊपर से ये कड़कड़ाती हुई धूप, और कैब के लिए पैसे लगते हैं मैडम, पैसे आपके पर्स में, पर्स गाड़ी में, और गाड़ी। सोच लो क्या करना है। मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है। धीरे नहीं चला सकते? रिपोर्ट, धीरे चलाओ। ओह, तो मुझे डरा हुआ देखकर बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? कमॉन जी, कमॉन, अपनी वीकनेस का फायदा मत उठाने दो किसी को, बल्कि अपने डर से सामने वाले की कमजोरी पर ऐसे अटैक करो कि होश उड़ जाए उसके। ये क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है।
देखा प्रभा बहू, विभोर को फोन लगा कि नहीं? देर कैसे हो गई उन्हें पद फेरे से लौटने में? अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। माँ जी फोन तो लग रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। कैसे उठाएगा? आजकल के छोरे ब्याह हुआ नहीं कि बीवी के पल्लू से ऐसे लटक जाते हैं जैसे साड़ी के पल्लू में अठन्नी झूल रही हो। माँ जी मैं फिर से लगाती हूँ। फोन बज रहा है। फोन विभोर छोरे को वहां लगाया और घंटी यहां बज रही है। देखो बच्चों ने भी ताली बजा दी ऐसा सुपरहिट सीन देखकर। आ गया है पोदार परिवार का सलीम अपनी बाहों में अनारकली को उठाए हुए। धन्य हो गया है पोदार परिवार ऐसी बहू पाकर। ताऊ जी ऐसी बात नहीं है, प्रीति चल नहीं पा रही थी, इसे चोट लग गई थी इसीलिए। चोट लगी? मनीषा जल्दी से कुर्सी यहाँ लगा। बैठ बहू, कैसे लगी चोट? हाँ बताइए ना देवरानी जी, कैसे लगी चोट? से लौट रहे थे। अरे तुम रहने दो रीति, मैं बता देता हूँ। हुआ ये कि हम लोग पगफेरे से लौट रहे थे और हमारी बाइक पलट गई, हम दोनों गिर गए। जरा सी मोचा है, इसमें इतनी चिंता वाली कोई बात नहीं है। वो केस और तिथारे को नए नवेली दुल्हन को बाइक पे लेकर जाने की। अरे दो पहिए की गाड़ी है, जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो पलट जाती है। मगर थारे को क्या, थारे को तो वही करना है जो थारे मन में है। अब गिर गई ना वो, चोट लग गई उसको, कहता है चिंता की बात नहीं है। घनश्याम सही कह रहा है बीरा, ब्याह हो गया तेरा, अब जिम्मेदारी से काम लेना सीखो। हाँ विभो बेटा,
शगुन के काम से जा रहे थे, ढंग से जाते ढंग से आते। अब थारे इस बचपने ने लगा दी ना बहू को चोट। थारे से ये उम्मीद ना थी, थारे को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। थारी लापरवाही की वजह से बहू को चोट लग गई, अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ विभूर भैया, आपसे उम्मीद नहीं थी। लटका के क्या फायदा छोरे, अगर पूरे कोलकाता को बताना ही था कि नई नई शादी हुई तो अखबार में विज्ञापन छपा देता। ये बाइक पर बिंदड़ी को बिठाकर घूमने की क्या जरूरत थी। वैसे भी बाइक पर बिंदड़ी को बिठाकर घुमाना एक कला है। अगर नहीं आती तो मुझसे पूछ लेता। हाँ कौशल्या। बस भी कर बिलासी बेटा, बस कर अपना प्रवचन। ये नहीं कि इस समय डॉक्टर को फोन कर दे। अब क्या हुआ, जब काम की चीज बोली तो हमेशा की तरह कान पे पर्दा पड़ गया क्या? अरे मारे कान पर पर्दा नहीं पड़ा है, अरे इस पोते के अकल पे पर्दा पड़ा है। तभी तो मारी रिजेक्ट हुई बहू को करेक्ट करके पोदार परिवार में ले आया। अब लाए हो ऐसी बहू तो भुगतो ये इश्किया। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी के बड़े भाई सा? आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। आपके पोदार खानदान में आज तक ऐसा एक छोरा भी नहीं है जो ऐसी अपनी बीवी से इश्क फरमाया हो। हाँ, बाहों में भर के लाया हो जो। बहू को चोट लगी है, मारे को नहीं लगता है कि शादी के बाद की रस्में वो निभा पाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हल्की सी मोचे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दर्द बढ़ गया तो और कहीं फ्रैक्चर हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, संभाल के। हुआ नहीं है तो अब हो जाएगा। बेटा संभल के, रीति बेटा संभल के, दर्द बढ़ना जाए है ना, संभल के चलना। कि मारे पर किसी की नजर पड़े, निकल जा बिलासी निकल जा। चुप कर, उठिए उठिए। क्या रहा बिलासी? पता नहीं माँ, कैसे मारो पैर फिसल गया। अरे चीचा जी के बड़े भाई साहब, आपके पैरों के नीचे केले का छिलका आ गया, तभी तो आप फिसल गए। हाँ?
अरे हाँ, ये तो केलों का छिलका ही है। पता नहीं कैसे मारे पैर के नीचे आ गया। चीचा जी के बड़े भाई सा, आप तुम्हारे स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा वो जुबान पे धरा। केला तो आप ही खा रहे थे ना, तो आपके हाथों से छिलका गिरा होगा। अरे हाँ, केला तो मैं ही खा रहा था, तो छिलका भी मारे हाथ से ही गिरा होगा। सोचा था क्या और क्या हो गया? ये बाजी तो मेरी होनी थी, रीति कैसे मार के ले गई?